पाकिस्तान के लाहौर पहुंची अंजू के पति अरविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है और सरकार से गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करके अंजू को वापस लाए, क्योंकि अंजू बिना अपने परिवार को बताए नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई। जबकि वहां पहुंचने के बाद अंजू ने अपने पति अरविंद को फोन पर बताया कि वो अपनी एक सहेली से मिलने लाहौर गई हैं। लेकिन जब अरविंद को ये खबर मिली कि अंजू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रहने वाले नसरुल्ला खान की वजह से वहां गई, तो वो उनकी वापसी की कोशिश में जुट गए। मैं गुहार लगा रहा हूं प्रधानमंत्री से, जल्द से लाना चाहिए सरकार से बात करने के लिए। न्यूज 18 से बातचीत में अरविंद ने ये बताया कि पाकिस्तान से लौटने के बाद वो अंजू को अपना लेंगे। वहीं अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के बाद राजस्थान के अलवर में जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं और अंजू के परिवार वालों से पूछताछ में जुट गईं। वहीं फेसबुक पर दोस्ती की वजह से अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पंजाब के वाघा बॉर्डर के पास दिखी। दावा यह किया गया कि अंजू वाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में गई और वहां जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में अंजू पाकिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते को दिखाती नजर आई। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। इस वीडियो में अंजू हंसती दिखी। दावा यह किया गया कि पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले अंजू ने ये वीडियो बनाया, फिर पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्ला खान से मिलने चली गई। इस बीच पाकिस्तान पहुंची अंजू का कनेक्शन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बताया गया और अंजू के पिता ग्वालियर के पास एक गांव के रहने वाले हैं और जैसे ही उनको अपनी बेटी के पाकिस्तान जाने की खबर मिली तो वो अंजू के इस फैसले पर बरस पड़े और अंजू के पिता ने उनको लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान जाने वाली अंजू को सनकी और मानसिक रूप से बीमार बता दिया। वो सनकी टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूं। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने अंजू से कई साल से कोई बातचीत नहीं की। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है, मैं उससे बात ही नहीं करता हूं कभी। जानकारी के मुताबिक अंजू ने 2007 में ईसाई धर्म मानने वाले अरविंद से शादी की थी, जबकि वो खुद हिंदू थी। हालांकि बाद में उन्होंने भी अपना धर्म बदल लिया था।